इंसान खुद को साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। लोग दौलत और शोहरत कमाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ लोगों को ये चीज़ें पैतृक रूप में मिली है तो वही कुछ लोग इसे अपने दम पर कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो सबसे अलग है। इस शख्स ने अपने आप को साबित करने के लिए अपने पिता को करोड़पति बनकर छोड़ा। गुजरात के रहने वाले 19 वर्षीय द्वारकाधीश के पिता करोड़ों का तेल कारोबार करते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में लोग अपने पिता का व्यापार ज्वाइन करते हैं, खुद की कंपनी शुरू करते हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन द्वारकाधीश की कहानी कुछ अलग है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले द्वारकाधीश करीब एक महीने पहले घर से भाग गए। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी छोड़ दिया था, जिससे उनको ट्रेस करना आसान नहीं था। द्वारकाधीश के पिता माता पिता बेटे को खोजने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस के अनुसार लड़का अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ दिया गया था और हमारे पास एक वडोदरा रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज था और ऑटो रिक्शा चालक का बयान था। इसे उसे वडोदरा शहर के अक्षर चौक में उतारा गया था। पीएम न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।